तो जी हमने आज अपने द्वारा रेस्ट हाउस के हवाले से चेकआउट कर लिया। इट वॉज नॉट अ होटल। पिछली अगर आपने एपिसोड देखी आपको पता होगा कि वाई वी कुडंट गेट अ होटल। एनी हू माई वेल्स सीरीज इज अबाउट टू एंड, एक दो दिन और हैं बस, उसके बाद हम वापस घर जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो पिछले एपिसोड देखो, हम लोग बहुत जगह घूमे हैं। एंगल्सी गए थे और उसके बाद हॉली हेड, लाइट हाउस, वाटरफॉल्स, कैसल्स, अभी कुछ और भी घूमेंगे तो सब कुछ आपको नजर आएगा। तो डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल दी अदर वीडियोज़ जो कि पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। एनी हू अभी हम चेकआउट करने गए थे लेकिन यहाँ पे पीछे करके प्लेग्राउंड से बना हुआ है इहान के लिए और साथ ये भेड़ बकरियाँ भी हैं। तो अभी इहान साहब थोड़ी सी स्लाइड्स वगैरह लेंगे, उसके बाद हम निकलने लगे। अभी तक आज का डे जो है अनप्लान्ड है, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या क्या जो है प्लान करें। इसकी रीज़न ये है कि हमने जहाँ पे अभी जाना है वी आर बिट फार अवे फ्रॉम दैट एरिया। हम सोच रहे थे दो ऑप्शन थी कि यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके फिर जाएँ या फिर चलना शुरू हों, रास्ते में जो चीज़ें आए वो देखते जाएँ। बिकॉज नोडोनिया इज़ अ बिग नेशनल पार्क, तो वहाँ पर रास्ते में ऑब्वियसली यू फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू या लुक एट। जा रहे हैं अभी, हमने पहला स्टॉप अपना इधर किया है, एक लेक रास्ते में आई थी उसकी तरफ। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, वीडियो में ये देख लो, ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वाटर बॉडी, एक बड़ी सी लेक है। इसमें उन्होंने बोट्स वगैरह खड़ी की हुई हैं, खैर अभी बंद है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। आई थिंक कस्टमर भी ज़्यादा इनका नहीं आया हुआ, और साथ पीछे कोई दो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो दूर से नज़र आ रही हैं। कोरोना की वजह से स्पेशली और वैसे भी जनरली कुछ एक्टिविटीज़ आपको प्री बुक करनी पड़ती हैं, और क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम पीरियड फिक्स नहीं था हॉलीडे का तो हम लोगों ने प्री बुक नहीं कर सके थे। और आजकल कोविड की वजह से वैसे ही रश पड़ा हुआ है क्योंकि जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस रिलीज़ हुई हैं तो लोगों ने इधर आने की कोशिश की, तो हमें फिर जो है कुछ चीज़ों की बुकिंग्स नहीं मिली जो कि वुड हैव बीन गुड एक्टिविटीज़। लेकिन वो यही चीज़ है कि इन्हीं जगहों पे जहाँ पे हम गए हैं वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल स्नोडोनिया, अगर माउंटेन के ऊपर अपने जाना हो, जो कि इस मौसम में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नज़र ही कुछ नहीं आएगा, बादल इतने हैं। अभी वी कंटिन्यू टू बाला लेक विच इज़ अनदर सीनिक लेक। टॉयलेट सिस्टम तो ये जो है ऑन द रोड हमने रखा हुआ है, जब भी जनाब साहब जो हैं उनको ज़रूरत महसूस हो तो गाड़ी के अंदर फ्लडिंग ना हो। पीछे आप देख सकते हैं कि इधर कैनोइंग के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, और इस तरफ जो है कार पार्क है, और उस तरफ जो है काफ़ी सारी बोट सेल कर रही हैं, कैनोइंग हो रही है, तो वाटर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एंड इहान जो है वो आइसक्रीम खा रहा है, ये देखें जी, यम 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 यम। आज बारिश यहाँ पे नहीं हो रही, अब यहाँ पे होता है वेदर रास्ते में, जैसे मैंने दिखाया, जैसे आप एलिवेशन में ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा बारिश का ज़्यादा होता है, एलिवेशन में नीचे आते हैं तो कम होता है। ये थोड़ा लो एलिवेशन पर लेक बनी है, इस वजह से यहाँ पे मौसम थोड़ा सा पहले से बेहतर है। विल गो आउट टू द लेक दिस वे, और इसके बाद एक वाटरफॉल है वहाँ पे जाने का प्लान तो है। अब देखें वहाँ पे फिर कैसे हालात बनते हैं, मौसम कैसा होता है, अगर बारिश होगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये होल ट्रिप इज़ डिपेंडेंट ऑन वेदर, इधर का वेदर इज़ इंग्लिश वेदर विच इज़ सो अनप्रडिक्टेबल कि यू कैन नेवर टेल के कल को क्या आपको जो है मिलता है। मुझे यहाँ आइसक्रीम दे दी है, अब मैं सो खिलाऊँगा उनके, ये ड्रामा बन गया। ऑलराइट, तो अभी हम आए हैं पिस्टल रेडर वाटरफॉल, पता नहीं मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ या नहीं। तो इसके दो व्यूइंग पॉइंट्स हैं, अभी हम नीचे वाले व्यूइंग पॉइंट में आए हैं, ऊपर वाले के लिए हाइक करके जाना पड़ता है। इसको कैप्चर करने के लिए लोग यहाँ पे स्पेशल आते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि वाटरफॉल जो है ऊपर से इतनी ऊपर ऊंचाई से नीचे को आ रहा है, आई थिंक इट इज़ अबाउट 120 मीटर, मुझे सही तरह नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा फीचर था मेरे लिए वो तो यहाँ पर गाड़ी चला के लाना था भाई, क्योंकि सिंगल रोड थी, बीच में सिर्फ पासिंग के कुछ एरियाज थे, आगे से गाड़ी आए तो फौरन गाड़ी रिवर्स करके जगह देनी पड़ती थी। यही जगह तो बल्कि हमें ट्रैक्टर आगे से आ गया, वो तो खैर पीछे था, लेकिन अगर ट्रैक्टर आ जाए तो आपको और भी जगह देनी पड़ती है।
मुझे अपने ईजी वे तो वाटरफॉल देख लिया जल्दी से, कुछ तस्वीरें भी खींचनी हैं। अब ये रास्ता है जो ऊपर जाता है और ज़रा करीब से दिखाता है। नीचे का रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया हुआ है तो आम लोगों के लिए, जो भी कोई भी आना चाहे आके देख सकता है। आई थिंक ये वाला रास्ता अगर कोई ट्रैकिंग वगैरह करके ऊपर जाना चाहता है तो उनके लिए बना हुआ है। इस ट्रैक के भी दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक थोड़ा सा स्लो पेस्ड है, हम ज़रा फास्ट पेस वाले से चढ़े हैं तो आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा थोड़ी सी ATP डेफिशिएंसी हो गई है। जो मार्गला में ट्रेल 3 पे हाइक करते हुए फीलिंग जानते हैं पहाड़ों के ऊपर आके। लेकिन इस्लामाबाद की ब्यूटी है कि मार्गला के पहाड़ों से पूरा शहर नज़र आता है, यहाँ से सिर्फ पहाड़ नज़र आते हैं। हम नीचे जा रहे हैं भागते हुए। ऊपर वैसे आपस की बात है, तस्वीरें लेने गए, लेकिन जो नीचे से मज़ा था ना वो ऊपर से नहीं था वाटरफॉल का। यहाँ पे पत्थर हैं, छोटे छोटे स्लिप होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट अदरवाइज इफ़ यू आर कमिंग जस्ट टू सी वाटरफॉल एंड पिक्चर्स तो नीचे से देख लो भाई, ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फुल डे हाइकिंग का सीन करना है बेशक ऊपर आओ, और अगर चाहते हो और एपिक तस्वीरें आएँ तो ब्रिंग अ ड्रोन। और इस हम पहुँचे हैं होटल रेक्सम में, और वाटरफॉल ज़बरदस्त, उसकी ड्राइव तो और भी ज़बरदस्त। वेल्स में 2 ड्राइव्स आर रेडी ग्रेट, एक जो इंग्लैंड वेल्स के बॉर्डर से नॉर्थ वेल्स हाईवे जो है, वी वेंट ऑल द वे डाउन टू एंगलसी, एंड द सेकेंड वन जो पिस्टल वेटर वाटरफॉल की तरफ थी। अमेजिंग ड्राइव्स तो, बट अलग रहे टायर ना, मेरा पंक्चर हो, इनके टायर पंक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कई दफ़ा गाड़ी रोक के दूसरी गाड़ी को आपको जगह देनी पड़ती है। इट इज़ ठीक है, ओके। तो यहाँ कहता है कि रूम बड़ा ठीक है, इट मीन्स के ही लाइक्स द रूम। तो ये है जी हमारा रूम, कोट्स वगैरह बेड पे पड़े हैं, अभी बस हम एंटर हुए हैं। बेगम साहिबा जो हैं वो थोड़ा फ्रेश हो रही हैं ताकि हम बाद में खाना खाएं। इहान को खाना खाना है, इहान आपने खाना खाना है? ओके तो इहान कह रहा है मैंने खाना खाना है। सो दिस इज़ द रूम, 2 कुर्सियाँ हैं, 1 बेड है, 2 एक सोफ़ा है, साथ ही अलमारियाँ शलमारियाँ और चाय शाय का सामान है। मेरा हमेशा ही होता है रूल के येस आई नो पीपल ट्राई एंड सेव मनी, एंड आई ऑल्सो ट्राई एंड सेव एज मच मनी एज पॉसिबल, लेकिन आई ऑल्सो ट्राई कि हमारे ट्रिप्स में स्पेशली जो हॉलीडेज़ हैं जो फैमिली के साथ करने, क्योंकि बंदा खुद तो मैनेज कर लेता है, जो फैमिलीज़ के साथ करने उसमें आई ऑलवेज ट्राई के अच्छी जगह हो ताकि आपका यू नो यू फील फ्रेश इन द रूम, और बच्चा भी आराम से सो सके और बेगम साहब भी खुश रहें। तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। खाना खाने का भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन हमने कहा पहले होटल में जाके फ्रेश अप हो जाए, उसके बाद विल गो फॉर डिनर। ओके तो हमने एक लोकल रेस्टोरेंट सर्च किया है, टर्न आउट टू बी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, और इनके खाने थोड़े से मीठे होते हैं, वो खुद भी कह रहा था कि थोड़े से मीठे खाने होते हैं। देन यू टोल्ड हिम टू कीप इट स्पाइसी बट नॉट टू स्पाइसी। ऑर्डर कर दिया हमने, खाना आता है देखते हैं, खाते हैं बताते हैं, एंड देन खाने के बाद विल हैव रेस्ट, घर जाके थोड़े से फाइल्स अपलोड करेंगे और यहाँ सबके साथ प्ले करेंगे। कल लास्ट डे, कल वापस जाना है वैसे, लास्ट डे नहीं, विल सी बट वी कैन मैनेज टू फाइंड। वाटरफॉल की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मोर पिक्चर्स कमिंग सून। अल्लाह हाफ़िज़।